और अब बात उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन की, क्योंकि यूपी की योगी सरकार ने भू माफियाओं के खिलाफ जो अभियान छेड़ा हुआ है, अब उसके नतीजे भी सामने आते दिखाई दे रहे हैं। बीते 3 सालों में योगी सरकार ने खाकी के जरिए जो डंडा माफिया और उसके नेटवर्क पर बरसाया, तो नतीजा ये सामने आया कि करीब 1100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को सरकार ने माफिया के चंगुल से छुड़ा लिया है। यूपी में माफिया की टूटी कमर, यूपी सरकार का ऑपरेशन क्लीन। अब तक 1128 करोड़ की संपत्ति जब्त। यूपी का सबसे बड़ा माफिया मुख्तार अंसारी इन दिनों किस हाल में है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में आतंक का दूसरा नाम बन चुका अतीक अहमद कहां है? पानगी के लिए ये दो वो नाम हैं जिनसे पूरा यूपी थर्राता था, लेकिन बीते 2 सालों से, जब से यूपी में खाकी का रुआब अपने पूरे शवाब पर आया, इन दोनों नामी बदमाशों के चेहरे पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नाम की दहशत अब साफ दिखने लगी है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार ने गुंडे, बदमाशों और माफिया के खिलाफ जो अपना ऑपरेशन क्लीन शुरू किया था, उसे अब और भी तेज कर दिया है। योगी सरकार ने समूचे सूबे में माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के आंकड़े जब जारी किए, तो उन आंकड़ों ने जो गवाही दी वो न सिर्फ हैरान कर देती है, बल्कि ये भी साफ कर देती है कि किस कदर यूपी सरकार का कहर माफियाओं और उनके नेटवर्क पर टूटा है। जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक कुल 5,558 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 22,259 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन चौंकाने वाली गिनती ये है, यूपी सरकार ने करीब 25 माफियाओं के खिलाफ की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई 1128 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल अचल संपत्ति जब्त की है। पर ये जो कार्रवाई इस समय चल रही है, जिसमें बहुत बड़े बड़े माफिया हैं जिनकी संपत्तियां जब्त हो रही हैं, जो भी अपराधों में लिप्त पाए जा रहे हैं उनके ऊपर पुलिस बिल्कुल टूट कर पड़ रही है, तो ये इसका एक बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। पूरब में गोरखपुर से लेकर पश्चिम में गाजियाबाद तक फैले माफिया तंत्र के तमाम नेटवर्क अब आउट ऑफ कवरेज एरिया दिखाई दे रहे हैं। यूपी पुलिस ने गुंडों, बदमाशों को सारा ताना बाना इस कदर तोड़ा है कि सूबे के तमाम नामी ग्रामीण बदमाश या तो सलाखों के पीछे जाकर अपनी खैर मना रहे हैं, या फिर अपनी जान बचाने के लिए उत्तर प्रदेश से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर दूसरे सूबों में पनाह लेने पहुंच गए हैं। यूपी सरकार ने जिन माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की, उसमें सबसे ज्यादा गहरी चोट अतीक अहमद गैंग को लगी है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों की गवाही है कि अतीक अहमद को सबसे ज्यादा 325 करोड़ रुपए की करारी मार लगी है, जबकि मुख्तार अंसारी को 2 करोड़ रुपए की चपत पुलिस की अब तक कार्रवाई में लग चुकी है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक आजमगढ़, मऊ, वाराणसी में मुख्तार अंसारी गैंग के 244 गुंडों के खिलाफ सरकारी डंडा चलाया जा चुका है और इन लोगों के कब्जे में फंसी 194,82,67,859 रुपए की जायदाद पर अब सरकार का पहरा है। इतना ही नहीं, मुख्तार गैंग के 158 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 122 असलहों के लाइसेंस रद्द किए गए और 110 गुंडों को गैंगस्टर एक्ट के तहत सलाखों के पीछे धकेला जा चुका है। मुख्तार अंसारी गैंग के 30 बदमाशों के खिलाफ गुंडा एक्ट और 6 गुर्गों पर NSA की कार्रवाई की गई है। जाहिर है कि योगी सरकार की इस कार्रवाई ने ऑपरेशन क्लीन को साफ सुथरा और चमकदार बना दिया है। अपराध हो रहे हैं, अपराध तो होते रहेंगे, 24-25 करोड़ की आबादी है, अपराध होते रहेंगे, वो भी वर्कआउट भी हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि कोई संगठित अपराधियों के द्वारा, गिरोहों के द्वारा
खुलेआम अपहरण और जमीनों पर कब्जा, इस प्रकार की गुंडागर्दी की जा रही है। यूं तो यूपी की सरकार ने सूबे के नामी 25 माफिया के खिलाफ खाकी को शह दी है, जिसकी बदौलत अब तक 625 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। जिन बदमाशों के खिलाफ यूपी सरकार ने तगड़ी कार्रवाई की है, उनमें मुजफ्फरनगर का नामी बदमाश संजीव उर्फ जीवा, लखनऊ का ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव और नोएडा के सुंदर भाटी और सिंहराज भाटी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है कि अब इन लोगों का जिंदा रहते सलाखों से बाहर आकर सांस लेने का बस एक सपना ही रह जाएगा। इन दिनों योगी सरकार के सभी महकमे जुल्म के खिलाफ मिलकर लाठी चलाते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में माफियाओं और उनसे जुड़े गैंग की कमर तोड़ दी है। योगी सरकार का माफियाओं में खौफ कुछ इस कदर है कि जिनके नाम से कभी दहशत होती थी, आज वो उत्तर प्रदेश की जमीन पर दहशत महसूस कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी का हाल तो सभी ने देखा है कि किस तरह योगी सरकार ने उन्हें पंजाब से लाकर बांदा जेल में बंद किया, लेकिन अतीक अहमद अभी भी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और किसी भी सूरत में यूपी आने को तैयार नहीं है। इससे ये साफ हो जाता है कि अगर साफ सफाई की नीयत हो तो साधन और जरिए खुद ब खुद बन जाते हैं।